अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है जी। मम्मी कहता हूँ आप सब जहाँ भी होंगे पुरसकूनों की, मेरी ये दुआ कि आप सब जहाँ भी पुरसकून वाला के फजल और करम के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। यहाँ पर ये दोनों शराजी जो हैं ना, ये अंदर पड़े रहते हैं सारा दिन और जी बेचारा बैर इसको मारते हैं, क्योंकि ये पहले तो लड़ता था जब ठीक होता था, और अब ये नहीं लड़ता क्योंकि इसकी टांग ख़राब है। और ये दोनों अंदर पड़े रहते हैं शराजी भाई साहब, ये पड़े अंदर, इधर पड़ा है और इधर पड़ा है इस कोने में, और ये बाहर बैठा रहता है। तो कोई बात नहीं, इसको धूप वगैरह नहीं लगती, और कुत्ता जो है ना वो भी नहीं आता फ़िलहाल, तो ये यहीं पर ठीक है, रात को फिर अंदर चला जाता है। और फिलहाल कुछ सामान वगैरह बाहर पड़ा है, एयर कूलर पड़ा है, वो रखना है अंदर, बाकी सामान तो सारा जो है ना वो रख दिया था। ये एयर कूलर पड़ा है तो इसको फिलहाल रखते हैं अंदर। ये यहाँ से खुला हुआ है तो इसकी ये साइड ये रही, इसको भी उठा लेंगे, और ये बैर धूप पर डल जाएगा ना, तो इसलिए इसको अंदर रखना ज़रूरी है। ये यहाँ पर ठीक रहेगा, आप महफूज है, यानी कि ये इसको धूप नहीं लगेगी और ये फिर गलेगा नहीं, क्योंकि ये प्लास्टिक है ना, धूप पर तो इसने कल जाना था चांदी दिनों में। ये स्टैंड तो संदूकों का है, लेकिन ये स्टैंड वो किसका है? मुझे लग रहा है कि ये है जो ये खड़ी है ना सिलाई वाली मशीन, इसका है। तो इस मशीन को इस स्टैंड पर रख कर देखते हैं कि ये मशीन फिट आती है कि नहीं। ये रहा हमारा स्टैंड और मशीन रखते हैं अब ऊपर। जबरदस्त यार, फिक्स आई है, फिक्स है, यही मशीन का ही है, मैं समझा शायद कोई सी और चीज का भी हो सकता है। दो पैसे और दो कवे बैठे हैं ऊपर, अब उड़ रहे हैं मेरे डर की वजह से। एक वो उधर कट्टी पर जाकर बैठ गया है, एक अभी बैठा है नहीं उड़ा, वो कट्टी तंग हो रही है मेरे ख्याल से कवे से। ये अब उतर गया माशाल्लाह, ये कवे ने कट्टी के ऊपर बीट भी कर दी बीट, ये पोटी। ये जो चादर खड़ी है ना, ये धोई हुई है, तो इसको अब ये खुश्क हो चुकी है, इसको अंदर उठा कर रखना है। ये हम इस्त्री वाली जो मेज़ है ना उस पर बिछाते हैं। ये इस पर फिलहाल कोई और कपड़ा बिछा हुआ है, तो ये दरी जो है ना ये इस मेज़ गली है, तो ये फिर बाद में बिछा देंगे। ये कंघे शीशे और इस्त्री वगैरह भी ऊपर पड़े हैं, सामने ये एक और शीशा। ये जो चूना बचा था ना रंग वगैरह, वो इस बर्तन में डाल दिया है, इसको हम चटूरो बोलते हैं, जिसमें लस्सी वगैरह मक्खन वगैरह सब कुछ बनता है ना, ये वही बर्तन है, और ये पुराना है तो इसमें डाल दिया, ये फिर कोई और काम आएगा। आज यार सालन किस चीज़ का है देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है भाई साहब आलू और सफ़ेद चने, माशाल्लाह। चनों का सालन तो वैसे ही बड़ा मज़े का होता है। ये फ़िलहाल रख देते हैं, थोड़ी देर बाद खाएंगे खाना, फ़िलहाल इतनी भूख नहीं है। ये बंद हो गया कुंडा, और इधर साथ में ये ट्रे और कप चारपाई के नीचे पड़े हैं भाई साहब, पता नहीं किसने रख दिए हैं, तो इनको उठा कर रखते हैं बाहर। आ जाओ यार, इनके जो इनका अपना है ना पिंजरा, वो पता नहीं गया कहाँ है यार, वो उधर खड़ा है धूप पर, तो इनको धूप पर ही रखेंगे। इस कप और ट्रे को अंदर रखना है, ये कप खड़े, और तो ये कप यहाँ पर आ गया, और इस ट्रे को अंदर रख देते हैं। ट्रे इधर आ गया, अब ठीक है। आज की इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म कर देते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ किसी नए अंदाज में। उम्मीद है तब तक मैं और आप रहे अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में। अल्लाह हाफिज़।